देश सेवा का जज्बा कई युवाओं में होता है, इसके लिए वे भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। आमतौर पर पुरुष आवेदक ही आर्मी में नौकरी पाते हैं, लेकिन साल 1992 से महिलाओं को भी इंडियन आर्मी में नौकरी के अवसर दिए गए। यदि आप एक महिला हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इस वीडियो में आप महिलाओं के लिए 5 एंट्री स्कीम के बारे में जान पाएंगी, जिससे आप भारतीय सेना में नौकरी हासिल कर सकती हैं। गर्ल्स यदि 12वीं के बाद ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन्हें मिलिट्री के तहत नर्सिंग कोर्स करना होगा और उसी में नौकरी करनी होगी। 12वीं के बाद आप MNS एंट्री को चुनकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। MNS का फुल फॉर्म मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, आप अविवाहित महिला होना चाहिए। इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। 12वीं के बाद आर्मी में जाने का लड़कियों के पास केवल एक ही विकल्प है, जो MNS है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 4 और विकल्प हैं, जिनके माध्यम से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है वो विकल्प। ग्रेजुएट UPSC एंट्री। ग्रेजुएट महिलाओं के लिए भी 2 तरह की एंट्री स्कीम है, जिनमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के आवेदकों को लिया जाता है। इसमें एक एग्जाम UPSC के जरिए भी ली जाती है, जिसे CDSC एग्जाम कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है SSCW नॉन टेक। आर्मी में भर्ती होने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद आप UPSC के जरिए भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकती हैं। इस भर्ती को शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक कहा जाता है। इसके लिए आपके पास नॉन टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए, आपको UPSC की CDSC एग्जाम को देना होगा। इसकी भर्ती साल में 2 बार जून और नवंबर माह में निकलती है। तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट नॉन UPSC एंट्री। UPSC के जरिए यदि आप एंट्री नहीं चाहते हैं, तो आपके पास कई और भी विकल्प हैं, जिसके जरिए आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। SSC, CW, NCC। अगर आप UPSC के माध्यम से इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपने NCC किया हुआ है, तो आप SSCW के जरिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आप अविवाहित महिला होनी चाहिए, आपकी उम्र 19 से 25 वर्ष होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट कम से कम B ग्रेड के साथ होना चाहिए। इसके लिए साल में 2 बार जून और दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है। इसकी भर्ती की जानकारी आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आखिरी ऑप्शन है SSCW। अगर आप लॉ में रुचि रखती हैं, तो उससे संबंधित कोर्स किया हुआ है, तो आप SSCW के जरिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। JAG का फुल फॉर्म जज एडवोकेट जनरल एंट्री है। इसके लिए आपका अविवाहित महिला होना जरूरी है, आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आपने LLB की हो और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। SSCCW की जानकारी आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ग्रेजुएट टेक एंट्री। यदि आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है, जैसे इंजीनियरिंग, तो आप ग्रेजुएट टेक एंट्री के जरिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके लिए आपकी उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। नोटिफिकेशंस के अनुसार मांगी गई ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की हो। इसकी भर्ती साल में 2 बार जनवरी और जुलाई माह में होती है। महिलाओं के पास ये 5 विकल्प हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के। यदि आप टेक्निकल बैचलर हैं, तो आप नॉन टेक एंट्री में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। नॉन टेक एंट्री केवल उन्हीं लोगों के लिए जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। इस तरह आप इन 5 एंट्री स्कीम से इंडियन आर्मी में नौकरी पा सकती हैं। एजुकेशन डेस्क, इंडिया रिव्यूज। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiareviews.com पर विजिट करें।